सर्दियों में मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हरी सब्जियां आ रही हैं, तो फ्रेंड्स आज मैं बनाऊंगी ग्रीन ऑनियन की भुजिया। तो मैंने यहाँ पे मतलब हरी प्याज ले ली है और इसे अच्छे से काट लिया है। आधा पार्ट हमने सफ़ेद वाला एक तरफ रखा है और आधा जो ग्रीन पार्ट है और एक तरफ रखा है। तो मैं आलू डालकर बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे आलू को भी काट के रखा है, पानी में भिगा करके रखा है, छोटा छोटा करके आलू काटा है। नया वाला आलू है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, तो मैंने नया वाला आलू लिया है। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा नया आलू आ रहा है, तो आप भी नया आलू लीजिएगा। और यहाँ पे कुछ 7-8 लहसुन की कलियाँ ली हैं और 4 हरी मिर्च ली हैं और 2 टमाटर को मैंने इस तरीके से काट लिया है। मीडियम साइज का टमाटर था तो मैंने 2 लिया है, आपके पास अगर बड़ा हो तो फिर 1 ही लीजिएगा। और यहाँ पे कढ़ाई पे मैंने तेल रख दिया है, तेल में जीरा डाल दिया है और 3 सूखी लाल मिर्च। इस रेसिपी में तेल थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा, इसलिए हमने थोड़ा ज़्यादा ही रखा है। तो मैंने यहाँ पे लहसुन को थोड़ा थोड़ा कूट करके डाल दिया है और लहसुन हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा। तो लहसुन कलर चेंज हो गया है, तो अभी जो मैंने सफ़ेद वाला प्याज को काट के रखा था उसे डाल दिया है। प्याज को हल्का सा भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे, इस तरीके से हाई फ्लेम पर चलाते हुए अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे। मैंने हरी मिर्च को काट के रखा था छोटा छोटा करके, उसे भी डाल दिया है और प्याज के साथ में हरी मिर्च को भी हल्का सा भून लेंगे। और अब साथ में आलू को डाल देते हैं, आलू को भी अच्छे से भूनेंगे। आलू को बहुत अच्छे से भूनना है, अभी हमने हाई फ्लेम करके रखा है, थोड़ी देर में हम मीडियम कर देंगे तब ये हल्का सा भून जाएगा। तो आलू को हमें इतना पकाना है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो आलू को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अभी साथ में हल्दी डाल देंगे। हल्दी को भी अच्छे से आलू के साथ में मिक्स करके थोड़ा सा भून लेंगे, इसको चलाते रहना है बीच बीच में। तो अच्छे से हल्दी भी मिक्स हो गई है, आप देख सकते हैं। साथ में मैं नमक डाल दे रही हूँ टेस्ट के हिसाब से। तो नमक डालने के बाद भी अच्छे से मिक्स कर देंगे, देखिए कितना ज़्यादा पानी छोड़ा है प्याज में। तो सब चीज़ को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, अभी इसे ढक ढक करके पकाएंगे। तो थोड़ी 2 मिनट के लिए मैं इसे ढक देती हूँ। 2 मिनट के बाद हम देख रहे हैं थोड़ा सा ये भून भी गया है, और अच्छे से एक बार हम फिर से चला देंगे और इसमें जो मैंने टमाटर काट के रखा था उसे डाल देंगे। तो टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा और ढक देंगे 2 मिनट के लिए, ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। टमाटर भी थोड़ा सॉफ्ट भी हो गए हैं और आलू भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो गए हैं, अभी कुछ बाकी है, कसर है इनमें, अभी ये पका नहीं है पूरी तरीके से। तो मैं क्या करूँगी, कढ़ाई में पूरी तरह से इसको आलू का फैला देंगे। आलू को आप देख सकते हैं कितने अच्छे से भून गया है, लेकिन अभी पूरी तरह से पका नहीं है। तो इसमें हम कुछ मसाले डाल देंगे, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर। सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करके मैंने भून लिया है, बीच बीच में इसको चलाते रहना है और इसे ढक ढक करके मैंने पका लिया है। आलू आप देख सकते हैं सॉफ्ट हो गया है पूरी तरीके से, अच्छे से पक गया है। अभी जो हरा वाला प्याज का पार्ट रखा था ना हमने, उसे डाल देंगे लास्ट में। आपने देखा होगा कि जो जापानी डिशेस होती हैं उसमें हरा प्याज इस तरीके से ही खाते हैं, तो हम भी खाते हैं वैसे, तो किसी भी चीज़ में ऊपर से सर्व करते हैं तो देखने में भी अच्छा लगता है। तो अभी मैंने हरा प्याज को लास्ट में डाल दिया है, इसे ढकेंगे नहीं, इस तरीके से ही चलाएंगे ताकि ये अच्छे से पक भी जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 3-4 मिनट मैंने खुले में ही पका लिया है, ढक्कन नहीं खोला है, और आप देख सकते हैं बनकर रेडी हो गया है। मैं कोई गरम मसाला नहीं डालूंगी, क्योंकि गरम मसाला डालने से हरी प्याज का जो टेस्ट है ना वो चेंज हो जाएगा, इसलिए मैं गरम मसाला नहीं डालूंगी। आप चाहे तो डाल भी सकते हैं, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, इसके रोटी पराठा चावल के साथ भी खा सकते हैं।